सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम जा रहे हैं अपने राफ्ट का इंजन बनाने और हमारे राफ्ट में इंजन कैसे बनेगा और उसको बनाने के लिए किस किस मशीन का यूज़ होगा और किस किस पार्ट का गाइस मतलब ज़रूरत लगेगा वो सब आपको दिखाएंगे और कैसे कैसे बनेगा उसका वर्किंग प्रोसेस भी दिखाएंगे। सो गाइस चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक आप वीडियो को इंजॉय करो। सो गैस यार, ये हमारा वो वर्क टेबल है जिससे हमारा मशीन और हमारा कंट्रोल लीवर और डैशबोर्ड वगैरह स्क्रू और एक रबर स्ट्रिप है और एक रबर, ये सब हमारा इसी से बनेगा। और गैस हमको ये सब बनाने के लिए प्लेट्स वगैरह जो नट वगैरह है। सो गैस यार, इन सब को बनाने के लिए हमको भी एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि वर्क टेबल एक और हमको चाहिए। सो गैस चलो पहले चलते हैं, अपना जो भी वर्क टेबल है उससे हमारा जो भी सामान मिल रहा है उसको हम जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं, फिर गाइस चलेंगे और अपना जो ये सब बनाने के लिए हमारा जो वर्क टेबल चाहिए उसको हम बनाएंगे। सो गाइज यार, फाइनली मैं थोड़ा बहुत टूल्स कलेक्ट कर लिया हूँ और जो भी हमारा नीचे वाले मशीन पे था वो भी मैंने ले लिया। सो गाइज अब चलो अपना जो वर्क टेबल बनाना है उसको बनाते हैं। तो गाइज सबसे पहले हमको सॉ मिल चाहिए, तो सॉ मिल के लिए हम चलो अपना सॉ मिल, ये लूम भी चाहिए और ये फोर्ज भी चाहिए। तो गाइज चलो अपना पहले सॉ मिल बनाते हैं। सो गाइज यार, ये हमारा सॉ मिल है और गाइज चलो इसको आप लगा देते हैं। तो गाइज सब मशीन साइड में लगाएंगे यहाँ पे, तो सॉ मिल भी यहाँ पर लगा देते हैं। अब चलो देखते हैं इसमें हमको क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पे हमको थ्रेडेड बोर्ड बनाना पड़ेगा और प्ले बोर्ड भी, बिकॉज पहले थ्रेडेड बोर्ड बनाना पड़ेगा, थ्रेडेड बोर्ड जो है इसी से प्ले बोर्ड बनेगा। तो यहाँ बिकॉज यहाँ पे हमको प्ले बोर्ड चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मशीन में ये रबड़ में और रबर स्टील में। सो चलो चलते हैं और पहले ट्रीटेड बोर्ड है उसको बनाते हैं और उसके बाद से उससे प्ले बोर्ड बनेगा। सो गाइस चलो अपन चलते हैं वो सॉ मिल वाले मशीन पे। तो यहाँ पे हमारा सॉ मिल वाला टेबल आ गया और यहाँ पे पहले हमको ट्रीटेड बोर्ड बनाना पड़ेगा और उसी से मतलब हमारा जो प्ले बोर्ड है वो बनेगा। गाइस से बीच में वीडियो थोड़ा स्किप है, बिकॉज स्किप नहीं करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलो हम अपना लूम बनाते हैं और उसका वर्किंग प्रोसेस भी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा लूम है जो मैं यहाँ पे अपने मशीन के जो सॉ मिल है उसके बगल में फिट कर देता हूँ। तो गाइस चलो अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम अपना तीन इसमें चीज़ बना सकते हैं और राफ्ट के लिए, एक रोप है और एक क्लोथ है और एक प्रोसेस जो फैब्रिक होता है वो। तो चलो हम अपना जो एक रोप के लिए अपना, मेरे रोप के पास ज़्यादा कुछ है नहीं था तो वो मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने रोप के लिए लगा दिया। और अभी हमको बनाना पड़ेगा इसका क्लोथ और जो प्रोसेस्ड फैब्रिक है वो। तो बिकॉज अभी तो मैं कुछ बनाने से बिकॉज मेरा जो इन्वेंट्री है मतलब बैकपैक है वो फुल हो चुका है, तो अभी मैं ट्राई करता हूँ उसको खाली करने के लिए।
तो चलो चलते हैं, तब तक वीडियो को आप एंजॉय करो, मिलते हैं वीडियो में। तो गैस यार अभी तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा बिकॉज मेरा जो इन्वेंट्री यानी बैकपैक है वो मेरा फुल हो चुका है, तो मैं जो भी बना रहा हूँ वो मतलब मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलो अब देखते हैं हमारे मशीन जो है उसको बनाने के लिए, मशीन पार्ट बनाने के लिए मतलब किस मशीन जो टेबल है किस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो उसको बनाते हैं और शायद ईव करेंगे तो हमारा जो इन्वेंट्री है कुछ खाली हो जाए। तो हमको चाहिए फोर्ज, तो चलो फोर्ज को देखते हैं फोर्ज कहाँ पर है, और फोर्ज तो चलो फोर्ज को बना लेते हैं और यहाँ पे अपने जो लूम के बगल में इसको फिट कर लेते हैं। सो गाइस यार अभी तो हम अपने इंजन को पूरा नहीं कर सकते बिकॉज अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस मैं ट्राई करूँगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमको ट्यूब्स की ज़रूरत है उसका एक एक डिटेल जो है वो आपको अच्छे से दूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट देना। चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना।